सफला एकादशी का व्रत पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इस उपवास को रखने से आयु और स्वास्थ्य की रक्षा होती है, साथ ही व्यक्ति को अपने कार्यों में सफलता मिलती है। इस व्रत से श्री हरि की कृपा से व्यक्ति को भौतिक संपन्नता भी मिलती है। सफला एकादशी पर भगवान विष्णु की सही पूजा विधि के साथ व्रत करने से पुत्र संपत्ति और धन लाभ होता है, वही मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर नहाएं और उसके बाद पूरे घर में सफाई करें, फिर चंदन अक्षत फूल फल गंगाजल व धूप दीप से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा और आरती कर भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद भगवान के सामने बैठकर व्रत का संकल्प लें। इसके अलावा एकादशी के दिन झूठ न बोलें, गुस्सा न करें, किसी का झूठा भोजन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पति पत्नी एक बिस्तर पर न सोएं। एकादशी के दिन मांसाहार और शराब से भी दूर रहना चाहिए। इस एकादशी के देवता भगवान श्री नारायण हैं, इसलिए इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है। देवताओं में जैसे भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सभी व्रतों में एकादशी व्रत अति उत्तम श्रेष्ठ एवं पुण्यकारी है। शास्त्रों के अनुसार 5000 वर्ष तक तप करने से जिस फल की प्राप्ति जीव को होती है, वही फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिलता है।